नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फैक्ट। जी हां, इस वक्त सरफराज खान की बड़ी चर्चा हो रही है, क्योंकि जब से सरफराज खान टीम इंडिया में आए हैं तब से कुछ लोग ऐसे हैं जो सरफराज खान की तारीफ कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि भाई साहब, इस खिलाड़ी को पहले से मौका देना चाहिए था, इस खिलाड़ी ने शानदार प्रदर्शन करके दिखाया है। तो वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो सरफराज खान की आलोचना करने लगे हैं, कहने लगे हैं कि सरफराज खान तो कुछ भी नहीं है। ये भी कह रहे हैं कि सरफराज खान को तो मौका मिलना ही नहीं चाहिए था। अब जैसे ये बयान सामने आए, जाहिर तौर पर सोशल मीडिया पर बवाल मच गया, क्योंकि क्रिकेट फैंस तो लगातार ये मांग कर रहे थे कि भाई साहब सरफराज खान को मौका मिलना चाहिए। और जब से उनको मौका मिला है तब से क्रिकेट फैंस बहुत खुश थे, क्योंकि उन्होंने अपनी मेहनत के दम पर ये कामयाबी हासिल की है। उन्हें लगातार नजरअंदाज किया जा रहा था, लगातार बेहतर प्रदर्शन करने के बावजूद बाहर किया जा रहा था, कुछ खिलाड़ियों को खराब प्रदर्शन करने के बावजूद मौका दिया जा रहा था। इसके बाद अब ये सोशल मीडिया पर सवाल खड़े होने लगे हैं। दरअसल मामला पूरा ये है कि सरफराज खान को जैसे ही मौका मिला तो दीप दास गुप्ता, जो भारतीय टीम के पूर्व खिलाड़ी रह चुके हैं, दीप दास गुप्ता ने बयान दिया है। दीप दास गुप्ता ने ऐसा बयान दे डाला जिसके बाद क्रिकेट फैंस को गुस्सा आ गया। और क्रिकेट फैंस का कहना है कि ये खिलाड़ी पता नहीं क्या इनको सही गलत लगता है, इनको यही पता नहीं चलता है कि क्या सही है क्या गलत है, इनको पता ही नहीं चलता है। क्योंकि दीप दास गुप्ता ने कहा है कि सरफराज खान ने कोई बेहतर रन नहीं बनाए हैं। उनका कहना है कि सरफराज खान ने बड़े मैचों में रन नहीं बनाए हैं। जब सरफराज खान बड़े मैचों में रन बनाएंगे तब अपने आप को साबित करेंगे। उनका यह भी कहना है कि जब केएल राहुल और विराट कोहली आएंगे तो सरफराज खान को बाहर भगा दिया जाएगा। इतना तो ठीक था, लेकिन जब उन्होंने आगे की बात कही तो मामला बिगड़ गया। दीपदास गुप्ता ने सरफराज खान और शुभमन गिल को कंपेयर कर दिया। दीपदास गुप्ता ने कहा कि शुभमन गिल को मौके इसलिए दिए जाते हैं क्योंकि शुभमन गिल ने रन बनाए हैं, और दीपदास गुप्ता को मौके इसलिए नहीं दिए गए क्योंकि उन्होंने रन नहीं बनाए। अब यहां पर मैं दीपदास गुप्ता से एक बात पूछना चाहता हूं कि दीपदास गुप्ता साहब, शुभमन गिल तो पिछली 10-12 पारियों से रन ही नहीं बना पा रहे हैं, उसके बावजूद उनको मौका क्यों दिया जा रहा है? और शुभमन गिल ने टेस्ट क्रिकेट में ऐसा क्या उखाड़ लिया, टेस्ट क्रिकेट में ऐसा कौन सा करिश्मा कर दिया कि उन्हें लगातार टेस्ट क्रिकेट में मौके दिए जा रहे हैं? आपके सरफराज खान को मौके क्यों नहीं दिए जाने चाहिए? शुभमन गिल से बेहतर आंकड़े हैं सरफराज के घरेलू क्रिकेट में, शुभमन गिल से लाख गुना बेहतर रन बनाए हैं सरफराज खान ने घरेलू क्रिकेट में, उसके बावजूद सरफराज को आप ऐसी बातें क्यों बोल रहे हैं? तो जाहिर तौर पर जैसे ही दीपदास गुप्ता ने सरफराज खान और शुभमन गिल को कंपेयर किया और सरफराज खान को शुभमन गिल से कमजोर बता दिया और यह कह दिया कि सरफराज खान तो बेकार खिलाड़ी हैं, सरफराज खान को बाहर निकाल देना चाहिए, उन्हें मौके नहीं मिलने चाहिए, विराट और राहुल आएंगे तो उनको बाहर निकाल दिया जाएगा, और बड़ी बात तो यह है कि शुभमन गिल को उन्होंने बेहतर बता दिया, जबकि शुभमन गिल का बल्ला कैसा चल रहा है यह हर कोई जानता है, हर किसी ने देखा है कि शुभमन गिल ने 12-13 पारियों में क्या किया है, और मैं तो बोलता हूं कि पूरे टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने क्या किया है। यह शुभमन गिल के बारे में एक बार दीपदास गुप्ता को जरूर देखना चाहिए, सरफराज पर सवाल उठाने से पहले जरूर सोचना चाहिए कि आप कैसे खिलाड़ी, कौन से खिलाड़ी को लेकर आप बयान दे रहे हैं, जिस खिलाड़ी को लेकर पूरा हिंदुस्तान एक है, जिस खिलाड़ी की वापसी को लेकर हर कोई ये चाहता था कि इसको टीम इंडिया में मौका मिले, उस खिलाड़ी को कमजोर बता रहे हैं दीपदास गुप्ता। तो कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा, आपका इस पूरे मुद्दे पर क्या कहना है, क्या आपको लगता है कि वास्तव में दीपदास गुप्ता ने जो ये बयान दिया है ये सरफराज खान से चिढ़ के चलते दिया है, और सरफराज और शुभमन गिल दोनों में आपको कौन सा बेहतर नजर आता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा क्योंकि अपडेट लगातार मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।